डीपर्सनलाइजेशन डिसऑर्डर नाम की एक मानसिक बीमारी है, उसके बारे में मैं आपसे आज बातचीत करने वाला हूँ। तो आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळेकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। ये जो बीमारी है डीपर्सनलाइजेशन डिसऑर्डर, इसका हिंदी में कोई ट्रांसलेशन नहीं है, मगर मैं उसको आपको उसके लक्षण बताता हूँ कि क्या लक्षण है। ये बीमारी में क्या होता है कि बार बार ऐसा, और हमेशा के लिए और बार बार ऐसा अनुभव आता है कि मैं खुद से अलग हो चुका हूँ, मैं खुद से अलग हूँ, मैं वो नहीं हूँ, मैं अलग हूँ। और ऐसा लगता है कि मैं खुद को बाहर से देख रहा हूँ या खुद को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मतलब मैं मेरे से निकल गया हूँ, मेरे को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ये बीमारी के तौर पर होता है। और ये भी देखता है मतलब आदमी को कि भाई वो खुद की मानसिक स्थिति भी देख रहा है कि मेरी मानसिक स्थिति कैसे। उसको ऐसा लगता है कि अपन सपने में है, कि मैं सपने में हूँ, कुछ तो भी अलग लगता है, मैं सपने में हूँ, ड्रीम स्टेट है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं कुछ एक्टर हूँ और देख भी रहा हूँ, मतलब मैं ही खुद एक्टिंग कर रहा हूँ और मैं खुद मेरे को बाहर से देख भी रहा हूँ, ऑब्जर्व भी कर रहा हूँ, ऐसा उसको लगता है। उसमें होता क्या है कि लोगों से संपर्क टूट जाता है, लोगों से रिलेट नहीं कर पाता, भावना जो है उससे भी वो कट ऑफ हो जाता है, भावना भी नहीं रहती उसको, भावना उसको आती भी नहीं है कोई, और उनको ऐसा लगता है कि उनको भावना ही नहीं है, इमोशंस नहीं है। कभी कभी लोग बोलते कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं मर गया हूँ। कभी कभी उसको ऐसा लगता है कि वस्तुस्थिति कुछ भी नहीं है, देयर इज नो रियलिटी, ऐसा उसको कभी लगता है। ऐसा उसको लगता है कि मैं मेरे को बाहर से देख रहा हूँ और ये ऑटोमेटिक चल रहा है ड्रामा। ये होने से उसको उसके व्यवसायिक रूप में, मतलब व्यापार में, सोशल रिलेशनशिप में, मतलब सामाजिक दायित्व और रिश्ते, इसमें बदलाव दिखाई देता है, मतलब उसमें इम्पेयरमेंट दिखता है, उसमें वो काम नहीं कर सकता बराबर। तो ये डीपर्सनलाइजेशन डिसऑर्डर कि जिसमें वो लगता है कि मैं खुद नहीं हूँ, मैं मुझे बाहर से देख रहा हूँ, मुझे ना इमोशंस है, मैं बाहर से खुद को देख रहा हूँ और ये जो चल रही है वो एक्टिंग चल रही है, लोगों से संपर्क टूट जाता है, काम बराबर नहीं कर सकता और उसको कोई फीलिंग नहीं रहते, ऐसा लगता है कि फीलिंग बिल्कुल ही गायब हो चुके हैं और मैं मरा हूँ और ये चल रहा है वो ऑटोमेटिक चल रहा है। तो एक बीमारी है, इसका इलाज हो सकता है, क्योंकि कभी कभी उसको लगता है ऐसा कि नहीं मैं नॉर्मल नहीं हूँ, और कभी अच्छी इंसाइट भी रहती है। अच्छा, ये जो बीमारी है, मतलब ये जो लक्षण है, ये और कोई बीमारी के साथ में नहीं दिखना चाहिए, बाकी कोई भी बीमारी व्यक्ति में नहीं होना चाहिए, तभी उसको हम बोल सकते हैं कि उसको डीपर्सनलाइजेशन डिसऑर्डर है। अच्छा, इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है, एक तो कोई मेडिसिंस, SSRI जो ड्रग्स है, SSRI नाम के जो दवाई हैं वो, और फिर साइकोथेरेपी, और तीसरा सम्मोहन उपचार, हिप्नोथेरेपी, काउंसिलिंग, इससे वो व्यक्ति अच्छा हो सकता है। तो ये बहुत ऐसी रेयर बीमारी है, मगर जिसको हुई उसको ही तकलीफ होती रहती है। तो आपको कभी ऐसे लोग दिखने में आए, ऐसा बोलने में कुछ आए, तो उनको जरूर ये वीडियो बता दो, ज़्यादा लोगों को शेयर करो, क्योंकि कम दिखाई देते हैं मगर कभी कभी किसको ऐसा अनुभव आते रहता है बीच बीच में, तो उनको भी इसका फ़ायदा हो जाएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको कुछ ऐसी तकलीफ है या ऐसा कुछ कंसल्ट करना है तो हमने नंबर नीचे दिए हुए, आप हमने ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। लोग हमको फ़ोन करते हैं, उनका प्रॉब्लम बताते हैं और हम ऑनलाइन काउंसिलिंग, ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं, और कुछ ऐसा लगा तो आप यहाँ हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट को लेके आ सकते हैं। हम हमारे लोगों को, हमारे पेशेंट लोगों को, हम एक तो रिश्तेदारों के साथ में भर्ती करते हैं, रिश्तेदारों के अलावा भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।